हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एन क्लास थर्ड की पोयम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्काई गुड मॉर्निंग सन गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन गुड मॉर्निंग बर्ड्स गुड मॉर्निंग ट्रीज एंड क्रीपिंग ग्रास एंड बीज इसमें एक जो बच्ची है वो सबको गुड मॉर्निंग बोलती है स्काई मतलब आसमान को सन सूरज को हवा को जो बहती है बर्ड्स चिड़ियों को पेड़ों को और क्रीपिंग ग्रास जो ग्रास होती घास होती है जो धीरे धीरे बढ़ती है ब्राउनी बीज को तो वो सबको गुड मॉर्निंग बोलती है फिर वो उनसे पूछती है हाउ डू यू फाइंड आउट इट वॉज डे कि आप लोगों को कैसे पता लगता है कि दिन हो गया है हु टोल्ड यू नाइटेड गॉन अवे आपसे कौन कहता है कि रात चली गई है आई एम वाइड अवेक अब मैं तो पूरी तरह से उठ गई हूँ आई एम नाउ टू और मैं अब उठ भी गई हूँ तो फिर नेक्स्ट में आई विल बी राइट आउट टू प्ले विद यू और मैं अब आपके साथ खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ तो हमने कौन से वर्ड सीखे क्रीपिंग क्रीपिंग का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना अवेक का मतलब होता है उठ जाना गॉन अवे का मतलब चले जाना क्वेश्चन देखते हैं इसके वाई इज़ द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी जो बच्चा है पोएम में वो खुश क्यों है द चाइल्ड इन द पोएम वॉज हैप्पी बिकॉज शी was wide awake and it was morning now to whom does the child say good morning child ne good morning kis kis ko kaha the child said good morning to sun sky birds and trees etc what does the child want to do the child want to play with them the birds sun and all of them तो हो गई हमारी यहाँ पे जो एक्सरसाइज थी जो हमें करना था वो कंप्लीट सो थैंक यू सो मच कैसा लगा